आने वाले विपिन सर और खान सर का आगमन समिधा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में है। व्यवस्थापक और शिक्षक ने एक बैठक किया और उस बैठक में उसकी तैयारी, बेहतर तैयारी के लिए इस क्षेत्र मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं को एक अच्छा संदेश जाए कि आप राष्ट्र के निर्माण में अपना भूमिका निभाना चाहते हैं तो आप उस कार्यक्रम में शामिल हो। इस अवसर पर प्रदेश और देश में जो अच्छा सम्मान से सम्मानित है इस इलाके के, जो किसान श्री से सम्मानित हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। राम इकबाल राम जी राज्य प्रदेश से शिक्षा के क्षेत्रों में सम्मानित हुए हैं उनको भी सम्मानित करेंगे और सचिन के हनुमान सुधीर जी को भी सम्मानित करेंगे। इस तरह से आदरणीय दास बाबू को भी सम्मानित करेंगे। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कांटी नगर परिषद के समिधा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में होने वाले 29 मई के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोर पर है। आपको बता दें कि आज बैठक की गई जिसमें जाने माने शिक्षक विपिन सर का आगमन को लेकर तैयारियां कैसे किया जाए इसको लेकर आज बैठक किया गया है, जिसमें कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि शिक्षाविद कारी साहू ने बच्चों को विपिन सर के बारे में बारीकी से अपने कोचिंग के सभी छात्र छात्राओं को बताया है। साथ ही आपको बता दें कि कांटी में आगमन से इलाके के प्रभावशाली छात्र छात्राओं में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को काफ़ी उत्साह देखने को मिल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि सही मार्गदर्शन और सही दिशा दिखाने का काम उस दिन किया जाएगा। साथ ही इस कार्यक्रम में कांटी प्रखंड सहित आसपास के प्रखंडों के शिक्षाविद एवं प्रशासनिक पदाधिकारी एवं शैक्षणिक पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे। साथ ही इलाके में महान हस्तियां को भी उस दिन सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर आज बैठक में निर्णय लिया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कह रहे हैं खुद सुनिए। क्या कुछ तैयारी चल रहा है और बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे? 29/5/2022 को समिधा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में शिक्षा के क्षेत्र में देश और दुनिया में पहचान बनाने वाले विपिन सर और खान सर का आगमन समिधा कोचिंग सेंटर के प्रांगण में है और यहाँ आकर के वह बच्चों को नैतिक बल के साथ साथ एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरह से बड़ा उपलब्धि प्राप्त करें उसका व्याख्यान देंगे। उसके लिए आज समिधा कोचिंग सेंटर के तमाम व्यवस्थापक और शिक्षक ने एक बैठक किया और उस बैठक में उसकी तैयारी, बेहतर तैयारी के लिए इस क्षेत्र मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं को एक अच्छा संदेश जाए, शिक्षा में गुणात्मक विकास हो उसके लिए एक बैठक किया और उसकी तैयारी बेहतर तरीके से हो, विपिन सर का बहुत सम्मान हो और छात्रों में संदेश भेजने के लिए कार्यक्रम की तैयारी किया गया है। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम छात्रों से अपील करना चाहेंगे कि आप राष्ट्र के निर्माण में अपना भूमिका निभाना चाहते हैं तो आप उस कार्यक्रम में शामिल हो, विपिन सर को सुने और उनका संदेश लेकर के अपने जीवन का बेहतर निर्माण करें और राष्ट्र के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कितने बजे से सर यहाँ पर कार्यक्रम? 1 बजे से कार्यक्रम है, 1 बजे से उनका प्रोग्राम है, व्याख्यान माला शुरू होगा। सम्मानित मानित का भी कार्यक्रम रखेंगे। इस अवसर पर प्रदेश और देश में जो अच्छा सम्मान से सम्मानित है इस इलाके के, जो किसान श्री से सम्मानित हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। राम इकबाल राम जी राज्य प्रदेश से शिक्षा के क्षेत्रों में सम्मानित हुए हैं उनको भी सम्मानित करेंगे और सचिन के हनुमान सुधीर जी को भी सम्मानित करेंगे। इस तरह से आदरणीय दास बाबू को भी सम्मानित करेंगे जो ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता के बने हैं और इस तरह से अच्छे अच्छे शिक्षाविद को भी सम्मानित किया जाएगा उस अवसर पर।